सिंह साहब रिटायर्ड चीफ इंजीनियर हैं BSNL से, आप आएँ और आप हमें गाइड करें कि किस तरह से यहाँ बैठे बिजनेसमैन जानकारी लेंगे, किस तरह से आगे बिजनेस में लाभ लेंगे। प्लीज सुंदर पाल सिंह साहब। सभी उपस्थित साथियों को मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, जय भीम, वाटाबरी से। जब मैं कल चौहान सर से बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे कहा कि कुछ PPT आप बना के लाएं, तो मैंने कहा कि टॉपिक बताएं, तो उन्होंने कहा कि जो बहुसंख्यक कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या PSUs में रिक्रूटमेंट के लिए हम क्या उनको मतलब योगदान दे सकें, कैसे वो अपना उसमें शेयर हासिल कर सकें, उसके लिए एक PPT बनाएं। बात यह है, हम जो बच्चे बैठे हैं, मैं पहले इन्हें एड्रेस करता हूँ, कुछ लोग प्रोफेशनल होंगे इसमें से, कुछ IT सेक्टर के होंगे, कुछ अकेडमिक एजुकेशन के भी होंगे। व्हाई वी वांट टू बिकम कॉन्ट्रैक्टर, क्या हम कॉन्ट्रैक्टर से भी अलग तरह का कोई काम कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो कॉन्ट्रैक्टरशिप में आकर्षण क्यों? Why want to become contractor? Just to make money? क्या हमारा यही एम है इस बहुसंख्यक समाज का? क्या हम केवल अपना अपना मनी बना करके क्या करेंगे, घर बना लेंगे, मकान ले लेंगे, बड़ी सी गाड़ी ले लेंगे, बंगला हो जाएगा, उसके बाद और इच्छाएं बढ़ती जाएंगी, दूसरी जगह प्लॉट ले लेंगे, जमीन ले लेंगे, खाली पड़ा रहेगा, और जब बूढ़े होंगे तो उनको मेंटेन करने वाला भी कोई ना होगा। बट व्हाट अबाउट नेम एंड फेम, वेयर इट इज लॉस्ट? अगर आप मनी अर्न कर रहे हैं तो नेम और फेम की भी चिंता होनी चाहिए, और अगर आप अपने कार्य के साथ कोई भी कार्य करें, चाहे सर्विस करें, कॉन्ट्रैक्टरशिप करें, काउंसलिंग करें, टीचिंग करें, लेकिन आपको नेम और फेम की जरूरत है, और नेम और फेम की पाने के लिए मैं कुछ उदाहरण आपको दूं। बाबा साहब के पास पैसे नहीं थे, संत रविदास जी के पास पैसे नहीं थे, कबीरदास जी के पास भी पैसे नहीं थे, अच्युतानंद जी के पास भी पैसे नहीं थे। अगर हम अपने पूरे महान संतों को देखें और अपने महान लोगों को देखें तो कोई भी पैसे वाला नहीं था, उसके बावजूद भी आज हम उन्हें याद करते हैं। इट मीन्स मनी इज नॉट रिक्वायर्ड, बट व्हाट रिक्वायर्ड इज गुड वर्क, एसोसिएट लाइफ। तो मैंने एक छोटी सी PPT बनाई जो कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए, उसमें मैंने ये आपको बताने की कोशिश की है कि इवन वी चूज कॉन्ट्रैक्टरशिप, वेयर वी फेल। आप देखेंगे PSUs में, पहले UP में तो था, कुछ कॉन्ट्रैक्टर्स में रिजर्वेशन था MDA में, डेवलपमेंट अथॉरिटीज में, कि इतने % कॉन्ट्रैक्ट्स SC ST या OBCs को मिला था। इवन थानों में भी रिजर्वेशन था,
तो पृष्ठभूमि में आप बताऊं, अभी मैं आपका वीडियो सुन रहा था, एमसीटी के चुनाव की बात उसमें हो रही थी। आप देखिए, अगर रिजर्वेशन है और रोटेशन नहीं है तो यू विल नेवर गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। और अगर रिजर्वेशन है साथ में रोटेशन भी है तो यू विल 100% गेट बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, मैं कॉन्ट्रैक्टर से थोड़ा बाहर जा रहा हूं, बस मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, एक मिनट फालतू आपसे। आपका ग्राम पंचायत में प्रधान के लिए रोटेशन है, आपका आदमी प्रधान बन सकता है। आपका आदमी नगर पालिका में रोटेशन है, चेयरमैन बन सकता है, मेयर बन सकता है, क्योंकि रोटेशन है। एमएलए भी बन सकता है और एमपी भी बन सकता है, क्या नहीं बन सकता, चीफ मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, ये भी तो सेलेक्ट होकर आते हैं, चुन के आते हैं। आप नहीं बन सकते, 70-75 साल में नहीं बने, क्योंकि रोटेशन नहीं है। और सरकारों ने, चाहे कोई भी सरकार रही है, उन्होंने चीफ मिनिस्टरशिप में और प्राइम मिनिस्टरशिप में आपको रोटेशन नहीं दिया, रोटेशन लागू नहीं किया। इवन इन यूनिवर्सिटीज देर इज नो रोटेशन, तो आपका आदमी वाइस चांसलर नहीं बन पाता। आप रोटेशन जहां होगा वहीं आपको रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा। मैं चाहूंगा कि जो आपके जो समृद्ध भारत की टीम है, अगर कहीं किसी प्लेटफॉर्म पे से उठाएं तो इसे रोटेशन की मांग जरूर करें अलोंग विद रिजर्वेशन। अब मेरा आपकी पीपीटी चला दी। व्हाट वी नीड टू हैव बिफोर एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट जब बनता है देर इज ए डिमांड, व्हेन देर इज ए डिमांड देर शुड बी एन ऑफर, एंड व्हेन देर इज ए ऑफर इट शुड बी एक्सेप्टेड, और व्हेन डिमांड इज प्लेस्ड ऑफर इज गिवन एंड इट इज एक्सेप्टेड देन इट इज बिकम्स एग्रीमेंट, एंड व्हेन इट बिकम्स एनफोर्सेबल बाय लॉ इट बिकम्स ए कॉन्ट्रैक्ट। जो बच्चे कॉन्ट्रैक्टरशिप में जाना चाहें, आप सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टरशिप की नियमावली जरूर पढ़ें। ऐम ही कूदने से समुद्र में कूद गए, तैर के आगे निकल गए बात अलग है, नहीं तो डूब जाओगे। अगर आप नियमावली नहीं जानते इस काम को करने के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहला रूल है नॉलेज ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, गूगल पे भी मिल जाएगा आपको, और बुक्स टेक्स्ट बुक तो अवेलेबल है ही। सेकंड पॉइंट, एनलिस्टमेंट इन द डिपार्टमेंट यू वांट टू वर्क। अब इसके लिए कुछ कंडीशन है। जब आप कॉन्ट्रैक्टर से बनते हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपको लाइसेंस चाहिए, आपको रजिस्ट्रेशन चाहिए, किसी डिपार्टमेंट में एनलिस्टमेंट चाहिए। हर एक पीएसयू का अलग एनलिस्टमेंट है। कुछ पीएसयू सीपीडब्ल्यूडी वालों को या गवर्नमेंट में जो रजिस्ट्रेशन होता है उनको प्रीफर कर लेते हैं, लेकिन ज्यादातर में उनका अपना अपना रजिस्ट्रेशन है, और रजिस्ट्रेशन की भी अलग अलग कैटेगरी है डिपेंडिंग अपॉन योर फाइनेंशियल एंड टेक्निकल कैपेबिलिटी। तो आपको उन दोनों के बारे में भी जानना है, बिना जाने जाओगे तो मारे जाओगे। ये ऐसा युद्ध नहीं है कि आप अंधेरे में गए और कहीं कोर्ट करके आ गए, दो चार पैसे कमा लिए, निकल आए। आपको बार बार उस युद्ध में जाना है, रिपीटेटिव जाना है, रिपीटेटिवली। थर्ड पॉइंट इज नो योर लिमिट टू प्रैक्टिस, पार्टिसिपेट इन बीड्स। दो तरह की लिमिट है, टेक्निकल एज वेल एज फाइनेंशियल। आप किस कैटेगरी में रजिस्ट्रेशन है उसी से आपका एनलिस्टमेंट होगा। देन वॉच ऑन अपग्रेडेशन रिन्यूअल। हम ये देखते हैं, जो हमारे लोग गलतियां कर देते हैं
और हमारे लोग नहीं, कोई भी कॉन्ट्रेक्टर गलती करता है। वो गलती क्या है? वो गलती ये है कि वो अपने डॉक्यूमेंट की देखभाल ही नहीं करता, उनका मैनेजमेंट ही नहीं रखता। वो भूल जाता है कि मेरा रिन्यूअल होना था या रह गया, तो पता लगा कि कॉन्ट्रैक्ट आया कोट करने के लिए, आपके पास का रिन्यूअल ही नहीं है। इलेक्ट्रिकल में, जैसे मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, लाइसेंस बनता है एसटी और एलटी पे काम करने के लिए, एसटी और हाई वोल्टेज और लो वोल्टेज पे काम करने के लिए लाइसेंस बनते हैं, आपके पास लाइसेंस ही नहीं है। अरे वो तो निकल गया भाई, 15 दिन हो गए, आप कोट ही नहीं कर सकते। रजिस्ट्रेशन की भी डेट होती है, एनलिस्टमेंट की भी डेट होती है, निकल गई डेट, आप कोट नहीं कर सकते, आप पैसा लेकर के बैठे रहिए। तो आपको अपना अपग्रेडेशन सभी डॉक्यूमेंट का चेक करते रहना है, वॉच रखनी है। देन शुड हैव प्रॉपर डिजिटल सिग्नेचर। आजकल डीएससी का जमाना है, ई प्रोक्योरमेंट का जमाना है, चाहे आप जेम्स से परचेज करो, प्रोक्योरमेंट करो, या जेम्स के थ्रू सप्लाई करो, या आप ई प्रोक्योरमेंट करो, आपको डिजिटल सिग्नेचर की जरूरत पड़ती है। आप कम से कम 2 आदमियों को डिजिटल सिग्नेचर देकर रखिए जो आपके भरोसे के हों, और टेक्निकल उसको जो पता हो, कुछ आपके जिस वर्क को आप कर रहे हैं टेक्निकल नॉलेज उसको नो हाउ होनी चाहिए उसके पास में, अगर आपको सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्टरशिप में जाना है तो। अदरवाइज आप टेंडर ही नहीं फिलअप करा पाओगे, कोई भी बिड फिल ना टेक्निकल बिड फिलअप कर पाओगे आप, और ना फाइनेंशियल बिड फिलअप कर पाओगे। देन सफिशेंट इंटरनेट कनेक्शन, ये सब आपके पास में है, डीएससी भी आपके पास में है, पैसा भी है, रजिस्ट्रेशन भी है, सब कुछ है, इंटरनेट नहीं है। और इंटरनेट के लिए मैं पड़ोस में जा रहा हूँ जी, जनसेवा केंद्र में या किसी और केंद्र में, वहां से भरूंगा, या किसी अपने साथी के पास जाऊंगा, वहां इंटरनेट काम नहीं कर रहा है, स्पीड नहीं आ रही है, यू विल नॉट बी एबल टू फिल अप योर टेंडर डॉक्यूमेंट। तो ये हम अपनी जो कमियां हैं इनको हम सुधारें। मैं अपने सभी साथियों से जो ठेकेदार है या ठेकेदारी करना चाहता है इस पर ध्यान दें। नेक्स्ट, देन टेक्नो कॉमर्शियल नॉलेज ऑफ द वर्क्स और या सर्विस जो भी आप प्रोवाइड करना चाहते हैं या ट्रेड भी करना चाहते हैं, तो आपको उसका ये नॉलेज होना चाहिए। और अगर नॉलेज आपके पास नहीं है तो यू शुड हायर एन एक्सपर्ट, उसकी आप सर्विस सेवा लीजिए। और आपके बिहेवियर में रूडनेस तो कतई बर्दाश्त नहीं है, कोई अधिकारी हमारे टेबल पर डायस पर बैठे हैं अधिकारी, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा आपका रूखापन। अगर आप पोलाइट हैं, जाकर के एक बार मिलेंगे, 2 बार मिलेंगे, 3री बार कहेंगे नहीं चौधरी जी ये मेरा एक बार तो दिलाई दीजिए, हालांकि डायरेक्ट उनके हाथ में नहीं है लेकिन वो मदद कर देगा आपकी अगर आप पोलाइट हैं। ग्रेटिट्यूड है आपके अंदर, तो पोलाइटनेस और ग्रेटिट्यूड आपके अंदर, ये दोनों गुण आपके अंदर होने चाहिए। ये शॉर्टकमिंग भी है हमारी, मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि क्योंकि हमारे समाज के लोगों की ये शॉर्टकमिंग्स भी हैं। देन मेंटेन गुड रिलेशंस विद द ऑफिसर्स एंड ऑफिसर्स ऑफ द डिपार्टमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे एडीजी से संबंध अच्छे हो गए, चीफ इंजीनियर से संबंध अच्छे हो गए, लेकिन एक्सएन और एई से बिगाड़ लेते हैं या जेई से बिगाड़ लेते हैं। अच्छा कॉन्ट्रेक्टर वो है जो बाबू से लेकर के मंत्री तक अपने संबंध बनाकर रखता है। और अगर आपके कहीं भी किसी भी जगह संबंध खराब हैं, तो यू मे लूज योर कॉन्ट्रैक्ट। देन कम्स सोशल एंड एथिकल वैल्यूज। ये उन बच्चों के लिए है जो पढ़ रहे हैं या आगे पढ़ाएंगे भी। 4 तरह के एथिकल वैल्यूज होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, चाहे वो समृद्ध भारत ही क्यों ना हो। 4 एथिकल वैल्यू चाहिए। सबसे पहली है ऑनेस्टी। अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रति वफादार नहीं हैं, ईमानदार नहीं हैं, तो आपका ऑर्गेनाइजेशन नहीं चलेगा। डिवोटी आपको होना ही पड़ेगा।
दूसरा है ओपननेस, आपके विचारों में खुलापन होना चाहिए, आप छुपाएं नहीं किसी से कोई चीज़। साथ में जो आपके साथी जो काम कर रहे हैं आपके विभाग में, आपके साथी डिपार्टमेंट में या आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आप ओपन रहिए उनसे, सलाह मशवरा कीजिए, अपनी बात उनको बताइए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए, उनका भी लीजिए। कभी कभी बहुत नीचे से बहुत बड़ा व्यू आ जाता है, तो खुला विचार, खुलापन आपके विचारों में होना चाहिए। थर्ड इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अभी मैंने कहा कि आपका कोठी बंगला बनाने के लिए तो वही ठेकेदारी करोगे नहीं, देन सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होनी चाहिए? जैसे चौहान सर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, इनकी मदद करना, स्कूल खुलवाना, या बच्चों को, गरीब बच्चों को मदद करना पढ़ने में, उनको ये कोई कहीं कमी आती है, जहां भी आपको लगे कि बस कुछ आप सोशली किसी को फायदा पहुंचा सकते हैं, तो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होनी चाहिए। अगर आप अच्छे कमा करके भी सोशल रेस्पॉन्सिबल नहीं है, यू आर नॉट ए गुड कॉन्ट्रैक्टर, इवन यू आर नॉट ए गुड कंपनी। एंड देन फोर्थ इज केयरिंग फॉर अदर्स। हम एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का ध्यान रखें। ये चार गुण हमेशा एक ऑर्गेनाइजेशन में होने चाहिए। ये है हमारी एथिकल वैल्यू। और हमारी साथ हैं सोशल वैल्यूज। और ये सोशल वैल्यूज क्या होती हैं? ये हर एम्प्लॉय में, और जो आपके साथ जुड़ा है हर मेंबर में, जिसके साथ आप काम कर रहे हैं उसमें, ये सातों को सातों गुण होने चाहिए। नंबर वन, सेल्फ हेल्प। आप अपनी सहायता स्वयं करें, डिपेंडेंट ना हो किसी के ऊपर, अपनी योग्यता हासिल करें ताकि आप अपना काम अकेले निपटा सकें। अगर आपको दूसरी तरफ से कोई हाथ बढ़ाया भी जाता है तो आपको उसकी कम से कम जरूरत पड़े। अगर आप सेल्फ डिपेंडेंट हैं, आप खुद कर सकते हैं, अरे नहीं यार बाबू नहीं आया मैं ही टाइप कर लूँगा, अरे वो नहीं आया मेरा इवेल्युएटर नहीं आया मैं ही इवेल्युएशन कर लेता हूँ। सेल्फ हेल्प इज ग्रेट हेल्प। महात्मा बुद्ध ने भी कहा आपका दीपक हो। जन सेल्फ रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये ऑर्गेनाइजेशन को चलाना राजवीर सिंह जी की जिम्मेदारी नहीं है, जो मेंबर है उसकी भी जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है। अगर मैं इस प्रोग्राम में आया हूं तो मेरी भी जिम्मेदारी है कि आपका ऑर्गेनाइजेशन चले। तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी हमें सबको लेनी पड़ेगी, और हमें समाज में तो तभी मुंह दिखाएंगे ना। अगर हम समाज के लिए कुछ काम ही नहीं करेंगे तो कहां से आएगी भाई? तभी तो आप नाम होगा, नेम फेम कहां से आएगा? इन महापुरुषों ने, जिनके मैंने नाम लिए, उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली और समाज के काम किए, समाज सुधार के काम किए, और ऐसे समय में जबकि उनको कहना बहुत मुश्किल था, करना बहुत मुश्किल था। डेमोक्रेसी, ये प्रजातंत्र है, लोकतांत्रिक देश है, कहने के लिए तो है, इट इज ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी, ये रियल डेमोक्रेसी नहीं है। आज मुझे कहने में कोई शर्म नहीं है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी में जीते हैं कहने के लिए, लेकिन रियल में डेमोक्रेसी नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है। आप अपनी बात ना कह पाते हैं, अदर आपके पास फ्रीडम ही नहीं है। आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं सकते, जो पाना चाहते हैं वो पा नहीं सकते, जो एजुकेशन आप लेना चाहते हैं वो एजुकेशन ले नहीं सकते। तो कहाँ की फ्रीडम है भाई? तो डेमोक्रेसी होना बहुत जरूरी है किसी भी आदमी के दिमाग में, अगर आप लोकतांत्रिक देश में रहते हैं तो। देन इक्वलिटी एंड इक्विटी, इन दोनों में थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, मैं इसे जरूर समझाऊंगा। इक्वलिटी यह है कि मान लिया मेरे से कोई हाथ मिलाना चाहता है और मैं उसे को प्रसाद देना चाहता हूं, एक 6 फुट का आदमी है वो मुझे बड़े आराम से छू लेगा, एक 4 फुट का आदमी है हो सकता है उसका हाथ मेरे पास तक नहीं जाए, तो आप क्या करोगे? इक्वलिटी चाहिए, इक्वलिटी के लिए आप उसकी नहीं जी नहीं जाओगे, आप इक्वलिटी के लिए
उसकी हाइट बढ़ा दोगे, हाइट बढ़ा दोगे, मतलब जितना बड़ा वो है दूसरे वाला, सेम टूल्स सेम अपॉर्चुनिटी अगर है, अगर सेम अपॉर्चुनिटी सबको मिलती है तो इक्वल है, लेकिन कैन ही गेट हिज शेयर, अगर छोटा बच्चा हो आपने उतनी ही उसको जो टेबल बढ़ा दी ऊपर, हो सकता है उसका हाथ तब भी ना जाए, उसके लिए उसको पास आना पड़ेगा, वो सुविधा उसको वहां तक देनी पड़ेगी, तब मिलेगी इक्विटी। इक्विटी मीन्स बराबर का शेयर। अभी शेयर भी बात कर रहे थे ना, अभी बात कर रहे थे वो आपका शेयर होगा, ये बराबर का शेयर, जितना आप योगदान दोगे उतना आप शेयर पाओगे, उसी वैल्यू के तहत प्रोपोर्शनेट, इसे कहते हैं इक्विटी। एंड देन सॉलिडरिटी, हमारे बहुसंख्यक समाज में इसकी सबसे ज्यादा कमी है, और हम एकजुटता तो हमारे अंदर है ही नहीं, हमारे बहुत सारे इंटेलेक्चुअल्स हमें प्रेरणा देते रहते हैं एक जुड़ने के लिए, हमसे कहते रहते हैं, लेकिन हम नहीं होते और नहीं हो पा रहे, और रिजल्ट आप देख ही रहे हो डे बाय डे क्या हालत होती जा रही है। चिंता सबको है, उस कोने पे बैठा उसको भी है, इस कोने बैठा उसको भी है, जो यहाँ बैठे सबको, सब चिंता मंगने है, रिजल्ट कुछ नहीं है। देन कंसर्न फॉर सोसाइटी, बिकॉज देर इज नो कंसर्न फॉर सोसाइटी, अपने लिए कंसर्न है, मेरा अपने लिए कंसर्न है, मैं सोसाइटी की कंसर्न नहीं करता। तो ये सात गुण अगर आपके समाज में इंडिविजुअल एम्प्लॉय या कोई भी आदमी है, इवन स्टूडेंट के पास है, तो वो कभी मार नहीं खा सकता। नेक्स्ट, ये फ्लो चार्ट है, मैं इसे ज्यादा नहीं समझाऊंगा, आप कहीं से भी देख सकते हैं कि टेंडर कैसे बनता है, मुझे लगता है मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, या है तो मैं छोटा छोटा बताता हूं बहुत जल्दी से। जब आप टेंडर भरने जाएं, या कोई टेंडर निविदा आपको मिलती है, अखबार में मिलती है, या कहीं नोटिस इनवाइटेड टेंडर आपको नजर आता है, तो आप उसके बारे में डिपार्टमेंट में जाएं, डिपार्टमेंट में पता करें कि ये बजटेड है या नहीं है, और बजटेड है तो किस साल में पैसा आएगा इसका, कब खर्च होगा, ऐसे ही आंख मूंद के अप्लाई ना कर दें, क्या उसका एस्टिमेशन प्रॉपर है, क्या उसकी सैंक्शन है, क्या उस मद में पैसा आया है, डिपार्टमेंट के पास पैसा है, मेरा डिपार्टमेंट में पैसा नहीं था और काम करा लेते लोग, पता लगा कि दो साल बाद पेमेंट होगा, जो गरीब आदमी एक दो काम करके उभरना चाहता था वो तो गई, उसका तो कोरोना लग गया भाई, उसके लिए तो ठीक है, जिसके पास पैसा है फ्लो में चल रहा, चलो भाई 2-4 लाख लगा के भूल गए। तो देन एस्टिमेट बनेगा, एनआईटी फ्लोट होगी, वो कई तरह से हो सकती है, टेक्निकल बिल्ड, फाइनेंशियल बिल्ड, सिंगल बिल्ड, 2 स्टेज बिल्ड, 3 स्टेज बिल्ड, कई तरह की बिल्ड आजकल चल गई है कन्फ्यूजन करने के लिए, वो चलती रहती है, डिपार्टमेंट बदलता रहता है, उनके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। फिर आपका जो भरा है टेक्निकल, मेरे पास एक आदमी था अंगूठा छाप, वो कहता था मुझे पढ़ के सुना दो मैं रेट बता दूंगा, उसको शेड्यूल पढ़ के सुनाया करते थे, वो सीपीडब्ल्यू से ही आया था, और वो रेट भर देता था, और कभी उसने मतलब उसका नुकसान नहीं हुआ, बड़े गजब की उसकी थी, और अंग्रेजी भी नहीं जानता था, अंग्रेजी में शेड्यूल बनते थे। तो आपको एस्टिमेट को पढ़ना जानना, और स्पेसिफिकेशन और शेड्यूल ऑफ वर्क, दो चीज आती हैं इसमें, दोनों में कंट्राडिक्शन हो सकता है, अगर आपने शेड्यूल पढ़ा स्पेसिफिकेशन नहीं पढ़ा मैच किया तो भी आप मार खा जाओगे। तो मेरे बहुजन साथियों, बहुसंख्यक साथियों, जो भी इस लाइन में जाए अपने नॉलेज को अपग्रेड करे और हर एक चीज पर नजर रखे। उसके बाद में आपका एक्सेप्ट को एक्सेप्ट कौन कर रहा है, टेंडर आपने फ्लोट किया उसमें डेविएशन तो नहीं है, आप डेविएशन की कोई कीमत ज़्यादा तो नहीं लगनी है, आपको उसकी वैल्यू बढ़ा कर देनी है, नेगोशिएशन के टाइम आपको डिस्कस करना है, ये सारी चीज़ें हैं, क्योंकि जो टेंडर होता है ना एग्रीमेंट, ये विन विन सिचुएशन होती है, तभी कॉन्ट्रैक्ट बनता है, कि आप भी विन विन सिचुएशन में हो
और जो अधिकारी है डिपार्टमेंट का वो भी विन-विन सिचुएशन में, दोनों एग्री हो गए बन गया कॉन्ट्रैक्ट, दोनों के लिए विन-विन सिचुएशन होनी चाहिए। और डिटेल डिजाइन, डिटेल्ड एस्टिमेट, टेक्निकल सैंक्शन ये सब हैं, और एडमिनिस्ट्रेटर अप्रूवल, एक्सपर्टाइज, सैंक्शन सब कुछ चाहिए। फिर अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स है, प्रिपरेशन ऑफ टेंडर डॉक्यूमेंट, ये ओपी टेंडर है 5 लाख तक का तो हो सकता है ऐसी ओपन हो जाता है, उसके बाद तो बहुत सारी कंडीशन लगी हैं। देखिए इस फ्लो चार्ट से अलग मैं दो चीज बताना चाहता हूँ आपको। एमएसएमई वाले जो हैं, जो एमएसएमई रजिस्टर्ड हैं उद्यमी, उनके लिए पीएसयू या सेंट्रल गवर्नमेंट के टेंडर में एक प्रोविजन है, मुझे लगता है कि 25% का प्रोविजन है कि 25% के टेंडर दिए, मतलब इनको एमएसएमई में जो रजिस्टर्ड है उसको दिए जाए। लेकिन L1 जो वहां लोवेस्ट टेंडरर है प्लस 15% इसके अंदर उसकी कोटिंग होनी चाहिए, अदरवाइज वो कंसिडर नहीं होगा। और इसमें से भी, इस 25% में से भी 4% ये SC ST के लिए, आप कहोगे 4% आप निकालो 25 चौका 100, 4 से 4 कट गया, 1% हुआ टोटल टेंडर का, 1% फिगर दिखा रहे हैं 4%, आपको लगता है 4% रिजर्वेशन है भाई, देखिए 1% का ये, उस 25% में 4% SC ST के लिए MSME में जो रजिस्टर्ड है उद्यमी में। इस स्कीम को आप डिमांड कर सकते हैं, सब 4% हो 25% लिखा है 4%, लेकिन जो मैंने पढ़ा था सुबह रात ही पढ़ा मैंने तो, चलिए अगर करप्ट किया चलो 4% है तो इट इज सफिशेंट, 4% अगर है, अगर हमें 100 में से 4 टेंडर मिल जाते हैं ठीक है चलेगा, हम तो कम खा लेंगे। तो ये आप देखिए, इन सब चीजों का आपको इन प्रोविजंस का ध्यान रखना है। मेरा कहने का मतलब ये था कि जो प्रोविजंस आपके लिए हैं एमएसएमई रजिस्टर्ड के लिए, SC ST के लिए, बहुजनों के लिए, बहुसंख्यकों के लिए, जो भी है किसी के लिए भी कोई प्रोविजन है, अपंग के लिए भी कुछ प्रोविजन है, तो इसका ध्यान रखना और आपकी डिमांड करनी है। और अगर टेंडर्स में भी रोटेशन हो जाए तो कहने क्या, फिर तो आपको मिलना ही मिलना है चौथा टेंडर। रोस्टर क्यों लगाया गया, रोस्टर क्यों इजाद हुआ, रोस्टर इसलिए इजाद हुआ कि आपको अपने पॉइंट जो आ रहा है आपका, जो सीट आपको मिलने वाली है वो पर्टिकुलर सीट आपको मिले, चाहे वो 100 पॉइंट रोस्टर है तो 200 पॉइंट रोस्टर है। 13 पॉइंट रोस्टर जिन्होंने इसलिए बनाया है कि क्योंकि 13 पॉइंट रोस्टर तो आपके लिए लगेगा ही नहीं। तो मैं यही कहना चाहता था और आपने मुझे टाइम दिया, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा मैं चीफ इंजीनियर रिटायर के अलावा भी मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में चलाता हूँ, मेरे ऑर्गेनाइजेशन नाम है प्रोग्रेसिव बिजनेस अलायंस, आप ही लोगों से जुड़ा हूँ। इसकी बुनियाद मैंने 1 साल पहले रखी थी, 100 रजिस्टर्ड मेंबर हैं और मेरा जुनून है कि 500 इंटेलेक्चुअल्स और 500 बिजनेसमैन विदिन 2 ईयर्स इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाएं, क्योंकि उसकी कोई फीस वीस नहीं है। और जिस दिन 500 टाई वाले और सूट वाले 500 इस हॉल में नजर आए बैठे हुए, आप क्या नहीं मांग सकते, क्या नहीं कर सकते, आप कोऑपरेशन, कोऑपरेटिव कल्चर अपनी पनपने तो दीजिए अपने अंदर। अभी कह रहे थे भाई साहब कि आप लेबर का सप्लाई कहाँ से होगी, ईटा कहाँ से आएगी, सरिया कहाँ से आएगा, सब एक जगह से हम प्रोवाइड करेंगे, इट इज कॉल्ड कोऑपरेटिव कल्चर। तो हमें कोऑपरेशन डेवलप करना चाहिए और उस कोऑपरेशन के लिए जो मैंने 11 आपके नियम बनाए, एथिकल और सोशल वैल्यू, इनको फॉलो कीजिए। मेरी तरफ से जय भीम, जय भारत, जय संविधान।